हेलो एवरीवन, मैं राम बाबू। वेलकम टू बीएससी कोचिंग। पिछले क्लास में हम आप लोग को शुरू किया था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में बता रहे थे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर का थ्योरी और कुछ क्वेश्चन दे दिया था। आज इसी चैप्टर पर कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, हम बताए थे आपको, थोड़ा थ्योरी को यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। हमने बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बाई ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। मान लिया यह कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह नॉन होमोजेनियस है, इसलिए कि वेरिएबल का पावर प्रत्येक पद में जोड़कर समान नहीं है। यहाँ देख रहे हैं एक्स का पावर एक, वाई का पावर एक, और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है। वेरिएबल का पावर प्रत्येक पद में समान नहीं है, तो यह नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। लेकिन एक चीज़ मैंने बोला था, अगर यह कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ हमेशा डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट वन होना चाहिए। अगर यहाँ कोई संख्या होता, कोई टर्म्स होता, तो प्रयास करते इसको इलिमिनेट कर देने का, यानी सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स का गुणक वन होना चाहिए। मान लो यह जो इक्वेशन था इसको मान लिया फर्स्ट। यहाँ से मैंने बोला था पहला केस नॉन होमोजेनियस में दो केस। एक केस बताए थे पिछले क्लास में कि एक्स के कोफिशियंट का रेशियो यानी यह ए वन बाई ए टू इज कर टू नहीं है वाई के कोफिशियंट का रेशियो बी वन बाई बी टू। अगर यह दोनों समान नहीं है तो क्या नियम बताए थे, यह जो स्मॉल वैल्यू है एक्स, तो ये एक्स को हम मानते थे कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई को मानेंगे कैपिटल वाई प्लस के, और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स आ जाएगा। फिर इसका मान, यह जो इक्वेशन फर्स्ट था इसमें वैल्यू देते, उसके बाद एच और के का मान निकाल लेते थे। जब एच और के का वैल्यू इस इक्वेशन में देते तब यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता वह होमोजेनियस के फॉर्म में आ जाता। जब यह होमोजेनियस आ जाएगा तो हमने बताया था वाई को भी एक्स मान के बनाते, तब यहाँ से वाई को यह भी इंटू एक्स मानते, फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते, फिर उसमें वैल्यू पुट करते, तो फिर वेरिएबल सेपरेबल के तहत आपको बन जाता। तो इतना ही थ्योरी बताया था। अब इसी थ्योरी पर बेस यह क्वेश्चन है। पिछले क्लास में भी बहुत सा क्वेश्चन ले लिए थे, आज उसका अगला क्वेश्चन सब ले रहे हैं। देखिए यहाँ कह रहा है तीन का ए, दो का ए और दो के बी तक क्वेश्चन हमने ले लिया था। कह रहा यह कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। देखिए तो यहाँ दिया हुआ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, थ्री वाई प्लस टू एक्स प्लस फोर इंटू डी एक्स माइनस यह है फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस फाइव इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। मान लो माइनस है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर इंटू डी एक्स इज कर तो माइनस है, बराबर के दूसरी तरफ गया तो प्लस हो जाएगा, तो यह हो गया फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस फाइव इंटू डी वाई। अब क्या करना था बाबू, कि बायां पक्ष में सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए। तो मान लो ये डी एक्स को बराबर के दूसरी तरफ ले गए और शेष फंक्शन को इस तरफ ला दिया, तो अब आप इसको लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज कर तो यह हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर बाई, यह हो गया फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस पाँच इक्वेशन फर्स्ट।
अब क्लियर है कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह नॉन होमोजेनियस के फॉर्म में आ गया, यानी यहाँ एक्स का कोफिशियंट वन अथी पावर एक, वाई का पावर एक, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है, नहीं कुछ है, तो फोर इंटू एक्स के पावर जीरो, तो प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर सेम नहीं है, यहाँ गैप मार दिया, यानी वन वन जीरो, दिस इज द नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यह नॉन होमोजेनियस है बुआ, तब क्या कहे थे यहाँ पर, पहला केस देखना कि एक्स के कोफिशियंट का रेशियो तो 2/4, वाई के कोफिशियंट का रेशियो 3/6, जब इसको सॉल्व करोगे, जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो यह हो जाएगा 1/2 और 1/2, यह बराबर आ गया। एक केस था कि नहीं भी बराबर होगा तब भी आप बना सकते थे, तो यहाँ क्या नियम कहता है, एक्स और वाई के कोफिशियंट का रेशियो समान नहीं है, तो एक्स यहाँ पर समान हो गया, तो एक नियम था, इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हो। देखा जाए, एक चीज मैंने बताया था आपको, एक्स और वाई के कोफिशियंट का रेशियो अगर समान ना हो तो स्मॉल एक्स को मानेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई को मानेंगे वाई प्लस के, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं एक्स और वाई के कोफिशियंट का रेशियो समान आ गया, तो बनाने का तरीका हम चेंज कर रहे हैं। तो इसी इक्वेशन को मान लो यहाँ पर आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज कर तो ऊपर में हो गया 2x + 3y + 4y और नीचे यह 4x + 6y है, अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा 2x + 3y + 5 इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, जब यहाँ देखा कि x और y के कोफिशियंट का रेशियो समान है तो किसी एक पद को मान लेना 2x + 3y को, तो यहाँ से हम मान लेते हैं पुट 2x + 3y को मान लिया थी, जब इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में तो यह हो जाएगा 2+3 × dy/dx इज कर तो dt/dx, यहाँ से dy/dx का वैल्यू आप निकाल दो तो यह हो जाएगा dy/dx इज कर तो dt/dx -2 × और यहाँ मल्टीप्लाई है 3 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भागा हो जाएगा यानी 1/3। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, मेरा इक्वेशन फर्स्ट था dy/dx, तो dy/dx की जगह वैल्यू रख दिया 1/3 × dt/dx -2 × 2x + 3y को 3 मान लिया तो 3 + 4y हो जाएगा 2t + 5। क्लियर, अब मान लो यह 3 डिवाइड है, उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको dt/dx -2 × 2, यह 3 अगर डिवाइड है मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3t + 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12y जाएगा 2t + 5, फिर -2 को उधर ले गए तो जाएगा dt/dx इज कर दो जाएगा 3t + 12y 2t + 5 + 2, जैसे यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो 2t + 5 तो ऊपर में हो गया 3t + 12 + 2t + 5, अब 2 से मल्टीप्लाई किया जगह 2 × 4 = 4t + 3 तो जगह 7t + 5 × 10 और 12 तो जगह 22t + 5, यहाँ पर हो गया dt/dx। अब याद करो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
कि वेरिएबल शेप देखो, यानी एक्स को डी एक्स के साथ कर दो और टी वाला फंक्शन को डी टी के साथ कर दो। अगर यहाँ से अगर वेरिएबल शेप टेबल लागू करोगे तो यह हो जाएगा टू टी प्लस फाइव बाई, नीचे में है सेवन टी प्लस ट्वेंटी टू इन टू डी टी बराबर डी एक्स। अब इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दो, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टू टी प्लस फाइव बाई सेवन टी प्लस बाईस इंटू डी टी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब बताओ ये जो दायां पक्ष में है डी एक्स, डी एक्स का तो इंटीग्रेशन सिर्फ हो गया एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर यह दोनों लीनियर फंक्शन है, या तो नीचे वाला फंक्शन है सेवन टी प्लस बाईस, इसको अगर ऊपर के जैसा ला देते हो तो यहाँ भी होना चाहिए सेवन टी प्लस बाईस, नहीं तो किसी एक फंक्शन को मान लो। अगर नीचे वाले फंक्शन को मान लेते हो तो फिर यहाँ से मान लेंगे पुट सेवन टी प्लस बाईस बराबर जेड। जब इस फंक्शन को अगर आप डिफ्रेंशिएट किया तो सेवन बाह टी का डीसी टी के रिस्पेक्ट में वन, तो यह हो जाएगा बाईस का डीसी जीरो, तो सेवन प्लस जीरो बराबर डी जेड बाई डी टी, बाई मल्टीप्लीकेशन करोगे तो जगह डी टी बराबर डी जेड बाई सेवन। क्लियर? फिर यहाँ से अगर आप टी का मान निकाल देते हो तो यह टी को लिख सकते हो जेड माइनस बाईस बटा सेवन। क्लियर? अब इस फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, देखिए इसीलिए यह हो गया इंटीग्रेशन ऑफ यह टू और टी के जगह हो गया जेड माइनस बाईस बटा सेवन प्लस पाँच बाय, यहाँ से टू टी है ना बाबू, तो टू और टी के जगह इतना वैल्यू दे दिया, इसको एक ब्रैकेट में ही दे दूँ, इतना प्लस पाँच बाई सेवन टी प्लस बाईस को मान लिया जेड इन टू अदिति बराबर हो गया डी जेड बाई सेवन बराबर एक्स प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म जोड़ दिया। अब यहाँ से अगर एलसीएम लेते हो मान लो सात, इसमें गुना हो जाएगा तो जगह इंटीग्रेशन ऑफ तो ये जगह टू जेड माइनस बाई दूना चौवालीस प्लस सात पंचा पैंतीस बते, यह सात नीचे भाग गया, यह सात पहले से है तो जगह जेड इंटू फोर्टी नाइन इंटू डी जेड बराबर एक्स प्लस, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टू जेड माइनस, देखिए पैंतीस में से अगर चौवालीस घट गया तो यह हो जाएगा माइनस नाइन पता फोर्टी नाइन इंटू जेड इंटू डी जेड बराबर एक्स प्लस। क्लियर? अब अलग अलग कर सकते हो इतना बाई इतना, तो यहाँ से तो लंबा जा रहा क्वेश्चन, देखिए तो यह हो जाएगा दो बाहर कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ दो बटे फोर्टी नाइन बाहर कर दीजिए और जेड बाई जेड कट गया तो यह हो जाएगा डी जेड माइनस नाइन बटा फोर्टी नाइन इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई जेड इंटू डी जेड बराबर एक्स प्लस। क्लियर? देखिए यह हो जाएगा दो बटा उनचास माइन जेड माइनस नौ बटे उनचास इंटू लॉग जेड बेस ई बराबर एक्स प्लस। अब याद कीजिए यह जेड के फोर में था और अभी आपने क्वेश्चन में माना था जेड को टी के फोर में, फिर टी का मान देंगे टू एक्स प्लस थ्री जेड, फिर इसमें सॉल्व कर दीजिएगा तो बन जाएगा आंसर, तो यही हो गया आंसर। क्लियर? यह जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करो, तो आपने इसको आंसर एक्स वाई के फोर में लाइएगा, तो अभी फिर हमने टी माना था टू एक्स प्लस थ्री वाई को,
तो 2x प्लस 3y की जगह t और t की जगह फिर z माना था, तो वैल्यू दे देंगे तो बन जाएगा तो आंसर यही हो गया सॉल्व। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 3 का b क्या कह रहा क्वेश्चन। फिर कह रहा है यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। बनाने का थ्योरी मैंने बता दिया था, देखा जाए यहाँ पर दिया हुआ आज सिर्फ क्वेश्चन सब ले रहा है चैप्टर का, गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन यह है 6x माइनस 5y प्लस 4 इंटू dy प्लस यह है y माइनस 2x माइनस 1 इंटू dx बराबर 0 होना चाहिए। देखिए अब यहाँ से क्या कि एक पद को उधर ले गए तो आप इसको लिख सकते हो 6x माइनस 5y प्लस 4 इंटू dy बराबर उधर ले गए तो माइनस, और माइनस से गुना कर दिया जाएगा 2x माइनस y प्लस 1 इंटू dx। अब हमने क्या बताया था थ्योरी में कि बायां पक्ष में dy बाई dx होना चाहिए, तो ये डी एक्स को इधर ला दो, इस सी एस फंक्शन को उधर ले जाओ, तो यहाँ से जब अरेंज करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज कर तू यह हो गया 2x माइनस वाई प्लस 1 बाई 6x माइनस 5y प्लस 4 मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखा कि यह नॉन होमोजीनियस है, यहाँ देख रहे हैं x के कोफिशियंट का रेशियो 2/6 बराबर y के कोफिशियंट का रेशियो -1/-5, जब इसको सॉल्व किया तो इसका वैल्यू आ गया 1/3 बराबर नहीं है 1/5 का, मतलब x और y के कोफिशियंट का रेशियो समान नहीं है। जब समान नहीं है तो क्या करेंगे कि स्मॉल x को मान लेंगे कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y को मान लेंगे y प्लस कैपिटल k, फिर उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डिवाइड करके वैल्यू पुट करेंगे। जैसा थ्योरी बताते इससे पहले जो क्वेश्चन ले लिया था तो वहाँ पर x और y के कोफिशियंट का रेशियो सेम आ गया था, जो केस बी में है जो इसके आगे बताते। अब देखिए अब यहाँ से हम मान लिया स्मॉल x को, अगर थ्योरी बताए थे थ्योरी पर ध्यान दीजिए तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या बताए थे थ्योरी में, यहाँ से स्मॉल एक्स को मान लिया था पुट स्मॉल एक्स को मान लिया कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई को मान लिया कैपिटल वाई प्लस के, अभी दोनों फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट किया तो यह डी एक्स बराबर हो गया डी कैपिटल एक्स और डी वाई बराबर डी कैपिटल वाई। क्लियर। अब मान लो ये दोनों को अगर हम डिवाइड कर दिए थे यहाँ पर तो डी वाई बाई डी एक्स इज कर टू डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स, अब इसका वैल्यू जो भी गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आप रख दीजिए। तो यहाँ से देख रहे हैं कि स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स है तो इसके जगह हो जाएगा डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स इज कर टू। देखिए यहाँ पर स्मॉल एक्स है तो स्मॉल एक्स को आपने यहाँ से मान लिया था कैपिटल एक्स प्लस एच, तो जहाँ जहाँ स्मॉल एक्स वहाँ वहाँ कैपिटल एक्स प्लस एच रख देना, स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के रख देना, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल वाई प्लस के प्लस 1 बाई ये जगह 6 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 5 इंटू कैपिटल वाई प्लस के प्लस 4। क्लियर। अब मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया त
तो एक्स को और वाई को अलग अलग करके अगर हम लिख दिया जाए तो इस इक्वेशन में यह हो जाएगा डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स हो जाएगा टू एक्स माइनस वाई इंटू प्लस यह हो जाएगा टू एच माइनस के प्लस वन बाई नीचे में हो गया सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई प्लस यह हो गया सिक्स एच माइनस फाइव के प्लस फोर। इसको मान लिया इक्वेशन टू। अब याद कीजिए थ्योरी में हमने बताया था आपको कि यहाँ इस इक्वेशन में h और k का मान निकालोगे, h और k का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ जो एक्सप्रेशन है h और k का इतना बराबर जीरो मान लिया था और इसको भी जीरो मान लिया था। याद कीजिए थ्योरी। अब तो यहाँ से हम मान लिया क्लियर, तो जीरो मान के बना लीजिएगा तो इक्वेशन आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, एच और के का मान निकाल लिया, एच और के का वैल्यू पुट करोगे तो वह होमोजेनियस आ जाएगा। जब होमोजेनियस आ जाएगा तो कैपिटल वाई को मान लेना भी इंटू कैपिटल एक्स, फिर उस फंक्शन को डीसी करोगे, फिर क्वेश्चन आ जाएगा कैपिटल एक्स वाई में, फिर कैपिटल एक्स वाई को स्मॉल एक्स वाई में ला के फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। चलते अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन है अब चार का ए, वह क्वेश्चन दे दिया हम आपको होमवर्क में। देख बाबू क्या करा कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सभी क्वेश्चन एक ही जैसा है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम सिर्फ आपको नॉन होमोजीनियस पहला केस का जो क्वेश्चन था कि एक्स और वाई के कोफिशियंट का रेशियो समान नहीं हो तो उसी पर बेस आज क्वेश्चन ले रहे थे। कल जो क्लास लेंगे हम आपको तो वह भी नॉन होमोजीनियस का ही होगा, लेकिन वहाँ पर एक्स और वाई के कोफिशियंट का रेशियो समान था, जैसा कि अभी एक क्वेश्चन आ गया था तो उसी पर सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मोस्ट वीवीआई चैप्टर, लेकिन जैसे आप आगे कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो पिछला सभी चैप्टर का यूज पड़ता। तो आप लोग भी क्लास नहीं देखे हैं, क्लास नहीं किए होंगे, इसका पहला क्लास होगा तो जो नेक्स्ट वीडियो है इससे पिछला वीडियो उस सबको आप एक बार देख लोगे सर्च मार के, क्या कि आगे जो भी चैप्टर बताएंगे तो पिछला जो भी चैप्टर अभी तक हमने बताया था वेरिएबल सेपरेबल रिड्यूसेबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल है ना, और बता रहे थे होमोजेनियस, इस सब का यूज पड़ता है। तब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या करें बाबू कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करो। देखा जाए यहाँ पर दिया हुआ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यह है डी वाई बाई डी एक्स इज कर दो माइनस एक्स प्लस टू वाई प्लस चार बटे माइनस थ्री एक्स प्लस वाई माइनस तीन, पहले एक्स ए वाई लिख दिया एक साथ कोई दिक्कत नहीं, मान लो यह है इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। अब यहाँ से देखा बाबू कि x के कोफिशियंट का रेशियो है माइनस वन बाई माइनस तीन यानी वन बाई तीन, y के कोफिशियंट का रेशियो हो गया दो बटा एक यानी दो, तो कभी भी एक बटा तीन दो के बराबर नहीं हो सकता। जब एक बटा दो अगर दो के बराबर नहीं है यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि x और y के कोफिशियंट का रेशियो आपस में समान नहीं है, तब क्या करेंगे बुआ, पिछले क्लास में भी थ्योरी बता दिया था, यहाँ से मानेंगे पुत
यह स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के। अब इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये होगा डी एक्स बराबर डी कैपिटल एक्स और डी वाई बराबर डी कैपिटल वाई। इसलिए दोनों को डिवाइड किया तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू हम लोग समीकरण एक में रख देते। तो अब बताओ जब इस इक्वेशन में अगर रख देते हो बुआ तो यह हो जाएगा डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स इज कर टू बराबर माइनस स्मॉल एक्स की जगह हो गया कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस टू, स्मॉल वाई की जगह हो गया वाई प्लस के प्लस चार बते माइनस थ्री इंटू कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस के माइनस तीन। पिछला क्लास में भी यहाँ तक लिख के क्वेश्चन को सॉल्व छोड़ दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए और समझा दिए थे, तो इसे जो पिछला क्वेश्चन था उसको आप बना लो क्या, यहाँ तक मैंने हिंट करके छोड़ा था। अब देखो यहाँ से अगर माइनस से गुना कर दिया बाबू तो यह हो जाएगा डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स इज कर टू माइनस कैपिटल एक्स प्लस टू इंटू कैपिटल वाई प्लस सब ऐसा लेते माइनस एच माइनस टू के प्लस चार और नीचे हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस वाई इंटू प्लस में यह हो गया माइनस थ्री एच प्लस के माइनस तीन। इसको मान लिया समीकरण दो। अब क्या बताए थे कि चूज द वैल्यू ऑफ एच और के, तो एच और के का मान निकालने के लिए इतना बराबर जीरो और इतना बराबर जीरो कर दो। यहाँ से पुट यह हो गया माइनस एच प्लस टू के प्लस चार बराबर जीरो और यह हो जाएगा माइनस थ्री एच प्लस के माइनस तीन बराबर जीरो। यहाँ देखा कि अब यह दो लीनियर इक्वेशन है, एच और के वेरिएबल है। इस दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो एच और के का मान आसानी से निकाल सकते हो, किसी भी तरह आप सॉल्व कर सकते हो। मान लिया कि यह इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू है, अगर किसी एक वेरिएबल को गायब करना चाहते हो या तो इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दो या टू के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एच का मान आ जाएगा, या इसमें तीन से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो एच हट जाएगा फिर के का मान आ जाएगा। किसी एक वेरिएबल का मान निकल गया, इसका मान किसी एक इक्वेशन में रख दोगे शेष का मान आ जाएगा। लेकिन उससे भी आसान तरीका है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखा अगर यहाँ से हम लागू करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या बताए थे बुआ, यह एच बाई एच वेरिएबल या इसको छोड़ दो, इधर से गुना कर दो गुना माइनस तीन तो जगह माइनस छः और माइनस चार इज कर तो के लिया तो इसको छोड़ दिया, तो इधर से चार गुना माइनस तीन तो माइनस बारह और माइनस 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 प्लस तो माइनस से हो जाएगा तीन इज कर तो वन बाई इसको छोड़ दो तो माइनस एक गुना प्लस एक यानी माइनस एक माइनस माइनस प्लस तीन दूना छः इसका वैल्यू आ गया एच बटे माइनस दस के बटे माइनस पंद्रह इज कर तो एक बटे पाँच छः में से गया पाँच। अब बताओ इतना बराबर यह तो माइनस दस अगर ऊपर चला गया तो माइनस दस बटे पाँच तो कत खुद के एच का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से जब इसको सॉल्व किया तो एच का वैल्यू आ जाएगा माइनस दो और यह के का वैल्यू माइनस पंद्रह बटे पाँच यानी माइनस तीन यानी एच और के का मान आ गया। अब क्या करते कि एच और के का मान इस इक्वेशन दो में अगर रख देते हो फ्रॉम टू नहीं तो
कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच एंड के इन इक्वेशन, तो जब एच और के का मान इसमें रख देते हो तो इसका भी मान जीरो, इसका भी मान जीरो, तो यह तरमे हट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा यह, क्लियर। जब एच और के का मान दे दिया तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया, इतना मान लो समीकरण था। अब यह क्या हो गया कि दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन। अब यह अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि कैपिटल वाई को मानेंगे वी और एक्स, पहले भी बता दिया था, तो यहाँ कैपिटल डी एक्स डी वाई न हो गया बाबू, इसीलिए यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से लिख सकते थे आप दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यह होमोजीनियस फंक्शन है। जब होमोजीनियस रहे तो y को भी x मान लेना, पिछले क्लास में थ्योरी बताए थे, यहाँ से हम मान लिया पुत कैपिटल y बराबर भी इंटू कैपिटल x, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डी सी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, फिर इसका वैल्यू समीकरण थर्ड में रख दो, क्लियर है। देखिए तब थम इक्वेशन थर्ड कितना है बाबू, यहाँ से तो डी कैपिटल डी वाई बाई डी से वैल्यू दिया, तो यह हो जाएगा वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर टू, यहाँ से माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस टू, वाई की जगह हो गया वी एक्स, और नीचे हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस वी एक्स, क्लियर है सब आदमी। अब ऊपर में भी और नीचे भी अगर हम यहाँ कैपिटल एक्स कॉमन ले ले तो कैपिटल एक्स ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर टू माइनस वन प्लस टू वी बाई माइनस थ्री प्लस वी, क्लियर बुआ। अब इस वी को बराबर उधर ले जाते हो तो यह हो जाएगा एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर तो टू वी माइनस वन बाई वी माइनस तीन माइनस वी, नहीं कुछ बते हुआ। अब देखिए अगर कॉन्सेप्ट के साथ बनाइएगा, क्वेश्चन तो लंबा जा रहा है बाबू ऑनर्स है, लेकिन आप आसानी से बना सकते अगर थ्योरी क्लियर रहे तब, इसलिए बार बार हम थ्योरी पर जोर दे रहे हैं। हम कोई भी बुक पर आएंगे तो थ्योरी ज़बरदस्त बताएंगे, और थ्योरी क्लियर रहे किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते। लेकिन कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है, कौन सा क्वेश्चन किस विधि से बनेगा, वह आप बनाते बनाते सीखोगे, इसलिए जितना प्रैक्टिस करो। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं बाबू हम तो बता ही रहे असाइनमेंट से क्वेश्चन बैंक का सवाल सब, उसके बावजूद भी आप एक रिफरेंस बुक खरीद लेना, लालजी प्रसाद का बहुत अच्छी किताब है, या एम एल खाना का, बहुत राइटर का किताब आती है मार्केट में, कोई एक रिफरेंस बुक चाहिए आपके पास, तो आगे बढ़े इसको सॉल्व करते बाबू। देखिए तो नीचे का जब यहाँ से एल सी एम लिया वी माइनस तीन, तो ऊपर में हो जाएगा टू वी माइनस वन माइनस वी इंटू वी माइनस तीन, देखिए जैसे गुना कर दीजिएगा टू वी माइनस वन माइनस वी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री वी माइनस तीन, तो ऊपर में कितना हो गया माइनस वी स्क्वायर प्लस पाँच वी माइनस वन, नीचे हो गया वी माइनस थ्री, और यहाँ पर यह हो गया एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब याद करो हम आपको बताए थे वेरिएबल और सेपरेबल, तो वेरिएबल और सेपरेबल में क्या बोले थे, एक्स को डी एक्स के साथ कर दो और वी वाला फंक्शन को डी वी के साथ कर दो, तो इसको हम आसानी से वेरिएबल सेपरेबल कर दें,
इसको लिख सकते थे आप वी माइनस तीन बट, अगर नीचे में माइनस कॉमन ले लेते हो तो जगह वी स्क्वायर माइनस पाँच वी प्लस वन इंटू डी वी बराबर डी एक्स बाई एक्स। क्लियर। अब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके जो जगह इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर हो गया तो वी माइनस तीन बटा वी स्क्वायर माइनस पाँच वी प्लस वन इंटू डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स इंटू डी। अब बताओ पिछले क्लास में भी इस टाइप का हम क्वेश्चन लिया था कि मान लो यह लीनियर है यह क्वाड्रेटिक है, या तो इसको फैक्टर करो। जब इसको फैक्टर करोगे तो आसानी से फैक्टर हो भी सकता, तो पार्शियल फ्रैक्शन पर बना देंगे, नहीं तो एक रूल बताए थे कि ऊपर जो फंक्शन है ना इसको मान लेना a इंटू नीचे का डी सी प्लस कैपिटल b, याद कीजिए। नहीं अगर फैक्टर करके बनाते हो तो पार्शियल फ्रैक्शन पर बना सकते हो। देखिए जैसे मान लो यह है वी स्क्वायर माइनस पाँच वी प्लस वन, देखिए तो फैक्टर होगा, ये आसानी से फैक्टर नहीं हो सकता। तो क्या करते बाबू, वही नियम लागू कीजिए। यहाँ से क्या करेंगे, पुट नीचे का ऊपर का हो गया वी माइनस तीन बराबर ए इंटू डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक, तो वी स्क्वायर माइनस पाँच वी प्लस वन प्लस कैपिटल बी। देखिए यह हो गया वी माइनस तीन बराबर ए, जब डी सी करो तो वी माइनस पाँच प्लस बी, यह हो गया वी माइनस तीन बराबर टू ए इंटू वी माइनस पाँच ए प्लस बी इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ लाइक पावर। इसको और आप लिख सकते ऐसे भी, अगर इसको प्लस कर इसको और लिख सकते हो वी माइनस तीन बराबर जो जगह टू ए इंटू वी, और माइनस कॉमन ले लोगे तो पाँच ए माइनस बी, तब ना माइनस से गुना करोगे बाबू तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ लाइक पावर, तो वी वी का कोफिशियंट ये जगह वन बराबर टू ए, तो यहाँ से ए का मान हो गया वन बाई टू। क्लियर। देखा कॉन्स्टेंट तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो यह हो जाएगा तीन बराबर पाँच ए माइनस बी, इधर ले आओगे तो बी बराबर हो गया पाँच ए माइनस तीन, और ए का मान अगर रख दोगे एक बटा दो जगह पाँच बटा दो माइनस तीन, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे में हो गया दो तो द्वितीया छः तो पाँच में से छः गया तो माइनस एक, यानी बी का वैल्यू और ए का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते तो देख बाबू, अब अगर यहाँ से ऊपर वैल्यू देते तो यह हो जाएगा नौ माइनस इंटीग्रेशन, अब बताओ यह वी माइनस तीन है तो वी माइनस तीन की जगह आप इतना लिख सकते हो ना बाबा, अगर वी माइनस तीन की जगह लिख देते हो यहाँ से तो जगह ए इंटू टू वी माइनस पाँच प्लस बी बाई, और नीचे है वी स्क्वायर माइनस पाँच वी प्लस वन इंटू डी वी बराबर वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन तो लॉग कैपिटल एक्स बेस ई प्लस सी। क्लियर। अब बताओ यहाँ ए और बी का मान रख दोगे, आ इस इंटीग्रेशन को अगर हम अलग अलग कर देते तो ए का वैल्यू है वन बाई टू, तो इतना बाई तो जगह माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ टू वी माइनस पाँच बाई वी स्क्वायर माइनस पाँच वी प्लस वन इंटू डी वी प्लस बी का वैल्यू दे दिया यहाँ से माइनस हाफ, आ ये माइनस पहले तो माइनस प्लस हो जाएगा
तो यह हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v² - 5v + 1 d v बराबर लॉग कैपिटल एक्स बेस ई प्लस। फिर बताओ, ये तो आसानी से हो गया बाबू, यह नीचे का डीसी ऊपर के बराबर, तो लॉग इंटू नीचे का फंक्शन। लेकिन यह जो इंटीग्रेशन है इसको कंप्लीट स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो कंप्लीट स्क्वायर पर जब तोड़िएगा, यहाँ वी स्क्वायर का कोफिशियंट ऑलरेडी 1 है, तो कंप्लीट स्क्वायर पर तोड़ने का तरीका यहाँ से देखिए कैसे इसको तोड़ते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा तो जा रहा क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है यह। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हो, क्वेश्चन अगर लंबा भी जाए तो हिम्मत नहीं हारिएगा, आप बनाने का प्रयास करोगे। देख बाबू, आप इसको कंप्लीट स्क्वायर पर तोड़ते हो तो यहीं पर रफ कर दें। जैसे मान लो यह है कि वी स्क्वायर माइनस 5v + 1, तो यह हो गया वी स्क्वायर माइनस 5v। अगर आप यहाँ से लाते हो वी स्क्वायर का गुणक 1 है, तो यहाँ ऑलरेडी हमको होना चाहिए था 1, तो क्या करते हैं कि माइनस 5 है तो 2 × 5/2 × v, मतलब 2 से हम गुना भाग कर दिया। जब 2 से गुना भाग किया, 2 कट भी जाता माइनस 5 भी, तो b के जगह 5/2 है, तो इसको क्या किया, 5/2 का स्क्वायर एक बार जोड़ दो और उतना ही घटा दो, तो 1 माइनस जगह 5/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साथ लिख दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a - b का होल स्क्वायर। फार्मूला पर अरेंज किया, हम बता दिया था आपको थ्योरी, तो यह हो जाएगा वी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस जगह 1 - 5 25/2 × 4, तो जगह वी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस वो, जैसे इसको सॉल्व करो 4, तो जगह 4 - 25, और 4 में से 25 गया तो -21, 21 + 4 = 25, क्लियर। तो इसी को आप फिर आप यहाँ से लिख सकते थे, ये कितना जगह कि वी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 21/4 को लिख सकते हो √21/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलिए अब बताइए, यहीं से बना ही देते हैं बुआ, कि यह जो इंटीग्रेशन है तो यहाँ नीचे का डीसी ऊपर के बराबर है, इसका इंटीग्रेशन आप कह सकते हो माइनस 1/2 × log नीचे का फंक्शन, तो जगह वी स्क्वायर माइनस 5v + 1 बेस प्लस या 1/2 × इंटीग्रेशन ऑफ इसी वी स्क्वायर माइनस 5v + 1 को आप लिख सकते हो 1/v - 5/2 का होल स्क्वायर माइनस √21/2 का होल स्क्वायर d v, क्लियर। इतना बराबर यही हो गया लॉग एक्स बेस ई प्लस। अब बताइए, आपने पढ़ा था एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, यहाँ पर लिख रहे फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² × dx, याद करो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला यहाँ कि 1/x² - a² का फॉर्मूला होता था 1/2a × log(x - a)/(x+a), नहीं कुछ बेसी। तो आए बुआ, मान लीजिए एक्स है, यह ए है, तो x² - a² इस फार्मूला के अनुसार जब इसको आप बनाओगे तो इसका वैल्यू लिख सकते थे ना, -1/2 × log(v² - 5v + 1) + 1/2 × 1/2a, तो 2 √21/2, क्लियर। यह हो जाएगा यहाँ से
लॉग एक्स माइनस है तो भी माइनस पाँच बटा दो माइनस रूट ओवर इक्कीस बाई टू, भी माइनस पाँच बटा दो प्लस रूट ओवर इक्कीस बाई टू बेस ई इज कर तो लॉग एक्स बेस ई प्लस। अब है क्लियर? अब बताइए इसी को अगर और सॉल्व करते हो यहाँ से दो कैंसिल हो गया, यहाँ दो लघुत्तम लेते हो तो ऊपर में सेट हो जाएगा, तो इसी को एक लाइन और लिख देते हैं छोटा फॉर्म में। समझ में आ रहा होगा बाबू सभी आदमी को? तो कितना हो गया, माइनस लॉग भी स्क्वायर माइनस पाँच भी प्लस वन बेस प्लस, या दो से दो कैंसिल हो गया तो वन बाय एगो दो तो बचेगा ना, तो टू इंटू रूट ओवर इक्कीस इंटू लॉग, बुआ दो लघुत्तम लिया तो ऊपर में जगह टू भी माइनस पाँच माइनस रूट ओवर इक्कीस जगह टू भी आ दो तो फिकट गया तो जगह माइनस पाँच प्लस रूट ओवर इक्कीस बेस ई बराबर लॉग एक्स बेस ई प्लस। यहाँ तक सब आदमी क्लियर है? अब बताइए मेरा क्वेश्चन तो था एक्स वाई के रूप में, तो आंसर भी तो होना चाहिए स्मॉल एक्स वाई के रूप में, तब इसको कैसे आप सेट करते? तो याद कर बाबू, आपने यहाँ से माना था कैपिटल वाई को भी इंटू कैपिटल एक्स, तो यह भी का मान तो लिख सकते हो कैपिटल वाई बाई कैपिटल एक्स। क्लियर? अब बताइए यहाँ से हम माने थे स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच आ स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के, तो यहाँ से कैपिटल एक्स का मान कितना स्मॉल एक्स माइनस एच आ कैपिटल वाई का मान स्मॉल वाई माइनस के। क्लियर? तो बताओ ये वाई के जगह अगर वैल्यू देते हो तो जगह वाई माइनस के बता एक्स माइनस एच। क्लियर है? आई बुआ, अब h और k का मान निकाल लिए थे यहाँ से, जब इसमें हम h और k का मान रख दें तो k का वैल्यू माइनस तीन, तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, जगह y प्लस तीन बता x माइनस माइनस प्लस दो। क्लियर है? तो अब बता इसका मतलब क्या हुआ कि भी के जगह हम यह लिख सकते हैं, भी के जगह हम इतना लिख सकते हैं। तो अब बताओ यहाँ से हो जाएगा माइनस लॉग भी स्क्वायर, तो भी की जगह हो गया वाई बाई एक्स, तो सीधे दे दो ना वाई प्लस तीन बता एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस पाँच इंटू वाई प्लस तीन बता एक्स प्लस टू प्लस वन। क्लियर? प्लस वन बाई टू इंटू रूट ओवर इक्कीस इंटू लॉग। क्लियर है ना? या भी बाई एक्स वाई बाई एक्स जगह हो गया, यानी भी के जगह कितना हो जाएगा, तो ट्वाइस इंटू वाई प्लस तीन बता एक्स प्लस टू माइनस पाँच माइनस रूट ओवर इक्कीस बता टू इंटू वाई प्लस तीन बाई एक्स प्लस टू माइनस पाँच प्लस रूट ओवर इक्कीस बेस बराबर यहाँ पर है लॉग कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स हो गया एक्स प्लस टू बेस ई प्लस सी। फिर इसी को और सॉल्व कर दोगे या इसी रूप में छोड़ सकते हो, तो यही हो गया इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? तो अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लंबा जा रहा क्वेश्चन बाबू, क्या कि सभी चैप्टर का यूज पड़ रहा है इसमें। देखते है नॉन होमोजेनियस, लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हो तो वेरिएबल सेपरेबल का भी काम पड़ रहा, इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि पिछला चैप्टर जरूर देख लेना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा जाए बाबू करा चार का बी
देखिए क्या कर रहा है कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। यह भी क्वेश्चन उसी अंदाज में आप बना सकते हो। देखिए क्या कर रहा है बाबू, यहाँ पर दिया हुआ था गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज कर तो 6x-2y-7y, यह है 2x+3y-6। मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। कारण कि डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट यहाँ हमेशा 1 है। अब यहाँ देख रहे हैं बाबू कि x के कोफिशियंट का रेशियो है 6/2, तो 6/2 यानी 3। y के कोफिशियंट का रेशियो है -2/3, तो 3 बराबर कभी नहीं होगा -2/3 के। मतलब x और y के कोफिशियंट का रेशियो यहाँ समान नहीं है। तो क्या करते बउआ, यहाँ से बताए थे थ्योरी फिर से, तो पुट यह स्मॉल x को मान लिया x+h, क्लियर, और स्मॉल y को मान लिया कैपिटल y+ के। जैसे इस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो यह हो जाएगा dx/dy = dY/dY। अब इसका वैल्यू जो भी गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें मान दिया, तब देखिए जब वैल्यू यहाँ दिया तो जगह d Y/dx इज कर तो यह 6 और स्मॉल x के जगह हो गया वैल्यू x+h-2y+k-7 बते यह हो जाएगा 2x+h+3y+k-6। जैसे इसको और सॉल्व करते हो तो dy/dx हो जाएगा 6x-2Y+ यह हो गया 6h-2k-7 / यह हो जाएगा 2x+3y+ यह हो जाएगा 2h+3k-6। मान लिया इक्वेशन। तो अब यहाँ h और k का मान निकालते हो तो h और k का मान निकालने के लिए हमने क्या बताया था थ्योरी, यह जो लीनियर फंक्शन है ना h और k, उतना बराबर 0 मान नियम है। तो यहाँ से हम लोग मान लिया पुत यह हो गया 6h-2k-7 = 0 और यह हो जाएगा 2h+3k-6। ये दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो h और k का मान निकाल सकते हो। लेकिन h और k का मान निकालने के लिए सबसे आसान विधि हम बताए थे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते ना बुआ, यहाँ पर h लेंगे तो क्या किया, इसको छोड़ दो, इसका -2 × -6 तो हो जाएगा 12, -7 × 3 = -11 तो जगह 21 इज कर तो k बता, इसको छोड़ दो, इधर से -7 × 14 - 1 + 36 इज कर तो 1/2, इसको छोड़ दो, 6 × 3 तो 18 -+4 बताइए इसका मान कितना हो गया, h/36 × 14 = 6 × 4 = 2 × 3 = 1/22। अब यहाँ से क्या करते बाबू, इतना बराबर यह और इतना बराबर यह लेते तो यहाँ से h और k का मान आप निकाल सकते हो, ठीक है। जब यहाँ से लिया इतना इज कर तू यह, ये ऊपर चला गया तो यहाँ से हो गया आपका h इज कर तू 33/22।
जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 और यह के का वैल्यू आ गया 122/22 कद खुद के वन। यह एच और के का मान आप यहाँ से निकाल लिया। अब क्या करते हैं, एच और के का मान अगर इस इक्वेशन में रखते हो तो दोनों का मान 0 आ जाएगा, क्लियर। अब एच और के का मान अगर इस इक्वेशन में रख देते हो यहाँ से फ्रॉम टू, तो यह हो जाएगा डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स, तो जगह 6x-2Y हो जाएगा 2x+3Y, यह हो गया 6x-2Y पते यह हो जाएगा 2x+3Y समीकरण थर्ड। अब बताइए यह यह होमोजेनियस इक्वेशन है, क्या है कि प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर सेम है। अब अगर यह होमोजेनियस है तो हमने क्या नियम बताया था बाबू, अगर होमोजेनियस रहे तो यहाँ से मान लेना पुट कैपिटल वाई बराबर भी इंटू एक्स, इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज कर टू भी प्लस एक्स इंटू डी भी बाई डी एक्स, क्लियर। अब यहाँ से हम लोग शायद में लिख लेते हैं कि यह एच का वैल्यू आ गया 3/2 और के का वैल्यू 1। अब इसका वैल्यू अगर हम थर्ड इक्वेशन में रख दें तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप कितना लिख सकते हो, भी प्लस एक्स इंटू डी भी बाई डी एक्स इज कर टू, यह हो गया 6x-2 और y की जगह भी एक्स अपॉन यह हो जाएगा 2x+3 × vx। बुआ ऊपर में भी कैपिटल x और नीचे भी कैपिटल x, अगर x x कॉमन ले लिया तो ऊपर नीचे कट जाएगा तो जाएगा v+x × dv/dx, ऊपर में 6-2v/2+3v। अब इस भी को उधर ले जाओ तो जगह x × dv/dx इज कर तू 6-2v/2+3v-v, क्लियर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हो देखा जाए तो जगह x × dv/dx इज कर तू, अगर नीचे आप 2+3v जगह 6-2v-v × 2+3v। देखा जाए यह हो जाएगा x × dv/dx इज कर तू, ऊपर में हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर -6v और -2v और माइनस माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा, लिख लो हो जाएगा 6-2v-2v-3v² / 2+3v। वेरिएबल से प्रयोग कीजिएगा तो यह हो जाएगा 2+3v/-3v² - 4v+6 × dv = यह डी एक्स बाई एक्स। अब इसको आपस में ऑन इंटीग्रेट कर दो देखा जाए, सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो। जब इंटीग्रेशन किया तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में लिख दो 3v+2y, अगर नीचे माइनस कॉमन ले लेते हो माइनस तो यह हो जाएगा 3v² + 4v-6 × dv = इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। अब बताइए यहाँ नियम है कि नीचे का डीसी अगर ऊपर के बराबर log × नीचे का फंक्शन,
या वैसे फंक्शन को मानो जिसका डीसी आसानी से दूसरे फंक्शन के बराबर हो जाए। तो मान लेते, अगर नीचे वाले फंक्शन को यहाँ मान लेते थे आप, पुट 3v² + 4v - 6 बराबर थी। अगर इसको हम डिफरेंशिएट किया, 3 × 6v + 4 × dv बराबर दी थी, दो लोग कॉमन लेकर उधर भेज देंगे तो जगह 3v + 2 × dv बराबर dt/2। क्लियर? अब बताओ, अगर इसका वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो 3v + 2 × dv की जगह आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ यदि dt/2 - 3v² + 4v - 6 को 3 मान लिया तो यह हो गया dt/2 - 3 इज कर तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/x। देखिए यह जगह -1/2 × dt/3 बराबर ∫1/x/dx। अब बताइए, नीचे का डीसी ऊपर के बराबर लॉग इंटू नीचे का फंक्शन, जगह -1/2 × log t/e बराबर log X / e या log c भी दे सकते हो। अब बताओ, यहाँ t है तो t के जगह तो आप यहाँ से मान लिए हो कितना 3v² + 4v - 6, जहाँ जहाँ t वहाँ वहाँ यह वैल्यू पुट कर देंगे। तब अगर यहाँ से वैल्यू आप रख देते हो कि कितना हो जाएगा -1/2 × log, यह हो गया 3v² + 4v - 6 बेसी बराबर log X / e + c। क्लियर? लेकिन अब बताओ, जब मेरा क्वेश्चन दिया एक्स वाई में तो आंसर भी होना चाहिए ना एक्स वाई में, तब क्या किया था, थोड़ा यहाँ से रफ करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, आप बना लोगे। देखिए, आपने माना था यहाँ Y को V × X, तो V के जगह हो गया Y/X, और Y की जगह लिखिएगा आप Y-K और X-H, और k और h का मान निकाल लिया था तो Y-1/X - 3/2। तो यही भी के जगह यह वैल्यू पुट कर देना इसमें, यानी यहाँ से -1/2 × log, यह हो जाएगा 3, और भी के जगह Y-1/X - 3/2 का होल स्क्वायर +4 × Y-1/X - 3/2 - 6 बेसी इज कर तो log कैपिटल एक्स की जगह हो गया X-3/2 + आंसर व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो गया, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इसका जो अगला क्वेश्चन था बुआ, देखिए अब इसका जो अगला क्वेश्चन था आपका 4C, यह भी जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल तरीका से, तो हल्का हिंट करके हम आपको छोड़ रहे हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिर्फ थोड़ा हिंट करेगी क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा था, यहाँ पर दिया हुआ था देखिए कह रहा यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करो। यहाँ दिया हुआ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ हिंट करें। देखो यह है dy/dx, यहाँ प्लस है बाबू, बराबर को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो बराबर माइनस, तो ऊपर में हो गया X-Y-2 और नीचे हो गया X-2Y-3। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो dy/dx,
तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस टू बटे एक्स माइनस टू वाई माइनस तीन इक्वेशन। अब बताइए यहाँ पर x के कोफिशियंट का रेशियो है माइनस वन बाई वन यानी माइनस वन, वाई के कोफिशियंट का रेशियो वन बाई माइनस टू, तो माइनस वन बराबर नहीं होगा माइनस वन बाई टू का, मतलब x और y का कोफिशियंट का रेशियो आपस में बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे बाबू कि स्मॉल x को मानेंगे, अगर थ्योरी समझ गया ना, कोई भी x को माना कैपिटल x प्लस एक्स आ स्मॉल y को माना y प्लस के, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके अगर डिवाइड किया तो डी वाई बाई डी एक्स, डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स। अब इसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, क्लियर। अब देखिए जो भी इक्वेशन है उसमें हम वैल्यू पुट किया तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हो गया डी कैपिटल वाई बाई डी एक्स इज कर दो, यह हो गया माइनस कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस कैपिटल वाई प्लस के प्लस टू, नीचे हो गया एक्स प्लस एच माइनस टू इंटू वाई प्लस के माइनस तीन, यानी इसी को लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस एक्स प्लस कैपिटल वाई इंटू प्लस माइनस एच प्लस के प्लस टू बाई जगह एक्स माइनस टू कैपिटल वाई प्लस ये जगह एच माइनस टू के माइनस तीन इक्वेशन दो। अब यहाँ से क्या किए थे कि एच और के का मान निकालोगे तो एच और के का मान निकालने के लिए यहाँ एच और के का जो लीनियर एक्सप्रेशन है उतना बराबर जीरो कर देना, पुट माइनस एच प्लस के प्लस टू बराबर जीरो, एच माइनस टू के माइनस तीन, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ एच और के का मान आ जाएगा। अब एच और के का वैल्यू देते हो इक्वेशन टू में तो यह भी जीरो यह भी जीरो, तो इक्वेशन टू कैसा आ जाएगा, सिर्फ इस फॉर्म में आ जाएगा, ये वाला टर्म्स यहाँ से हट जाएगा। जैसे एच और के का मान रख दिया इस इक्वेशन में तो यही हो गया मेरा इक्वेशन था, क्लियर। यह हो गया होमोजीनियस, तो फिर यहाँ से क्या करोगे, पुट कैपिटल वाई को भी इंटू कैपिटल एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करके और इक्वेशन बना लीजिएगा। तो इक्वेशन शेष तो हम मैंने सॉल्व कर दिया, थोड़ा हिंट करके आपको छोड़ दिया, तो यह क्वेश्चन हम आपके हवाले छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, क्लियर। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, देखा जाए बाबू, यह है पांच का ए, इस पर पांच का ए और पांच का बी दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, यह भी क्वेश्चन हल्का हिंट कर देते हैं और आज आपका यह चैप्टर हम ख़त्म कर दिए। अगले क्लास में जो शुरू करेंगे इसी का एक नेक्स्ट चैप्टर होगा नॉन होमोजेनियस का ही, तो उसी क्वेश्चन में होगा कि एक्स और वाई के कोफिशियंट का रेशियो आपस में सेम, तो बहुत छोटा सा चैप्टर है जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। देखो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा हिंट करेंगे, देखिए तो यहाँ दिया हुआ यहाँ से दिया हुआ गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है हुआ एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई इज कर तो एक्स प्लस वाई प्लस वन इंटू डी एक्स, तो इसको भी आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, ये जगह एक्स प्लस वाई प्लस वन बाई एक्स माइनस वाई इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में भी देखा कि एक्स के कोफिशियंट का रेशियो है वन बाई वन यानी वन, वाई के कोफिशियंट का रेशियो है वन बाई माइनस वन यानी एक्स, और वाई के कोफिशियंट का रेशियो हो गया वन बराबर माइनस वन,
तो वन बराबर माइनस वन कभी हो नहीं सकता। तब यहाँ से क्या नियम बताए थे कि पुत या स्मॉल एक्स को मानेंगे एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई को मानेंगे वाई प्लस कैपिटल के। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देते तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू समीकरण एक में रख दोगे तो यह हो जाएगा डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स, तो हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस कैपिटल वाई प्लस के प्लस वन। ये हो जाएगा कैपिटल एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल वाई प्लस के। यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हो जाएगा कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस या एच प्लस के प्लस वन बाई या एक्स माइनस वाई इन टू प्लस हो जाएगा एच माइनस के इक्वेशन टू। अब यहाँ से करेंगे एच और के का मान निकालेंगे, तो एच और के का मान निकालने के लिए हमने थ्योरी में बता दिया था कि एच और के का यहाँ जो लीनियर एक्सप्रेशन है उतना बराबर जीरो मान लेना। ये तो और सिंपल क्वेश्चन हो गया था, पुट एच प्लस के प्लस वन का मान जीरो और एच माइनस के बराबर जीरो, ये दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो एच और के का मान आ जाएगा। देखिए ये एच माइनस के दोनों को ऐड कर दिया तो के कट गया तो टू एच प्लस वन बराबर जीरो, तो एच बराबर हो गया माइनस हाफ। जैसे एच का वैल्यू यहाँ रख दिया तो के का वैल्यू भी आ गया माइनस हाफ, तो एच और के का मान आ गया। अब इस इक्वेशन टू में अगर वैल्यू देते हो एच और के का तो इसका भी मान जीरो इसका भी मान जीरो, तो यह इक्वेशन कैसा आ जाएगा जब एच और के का मान रख दिया फ्रॉम थर्ड में, तो यह हो जाएगा डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स, तो ये जगह कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई बाई कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई समीकरण थर्ड। और दिस इज द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, यह असली यह होमोजीनियस इक्वेशन आ गया ताकि प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर सेम है। जब होमोजीनियस रहे तो हम क्या बताते नियम, वाई को मानेंगे भी इन टू एक्स, जैसे इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स, तो भी प्लस एक्स इंटू डी भी बाई डी एक्स। फिर इसका मान अगर समीकरण थर्ड में रख देते हो, क्लियर, जब समीकरण थर्ड में रख दिया तो यह हो जाएगा भी प्लस या एक्स इंटू डी भी बाई डी एक्स इज कर तू या एक्स प्लस भी एक्स बाई एक्स माइनस भी एक्स, एक्स एक्स कॉमन लिया तो कट जाए तो भी प्लस एक्स इंटू डी भी बाई डी एक्स, तो वन प्लस भी बाई वन माइनस भी, इस भी को उधर ले गया तो एक्स इंटू डी भी बाई डी एक्स वन प्लस भी बाई वन माइनस भी माइनस भी। जैसे हम यहाँ से बता पा के जोड़ घटाव लेके इसको सॉल्व किया तो नीचे में कितना हो गया वन माइनस भी, तो ऊपर में हो गया वन प्लस या ऊपर में आ गया वन माइनस भी, तो यह हो गया वन प्लस भी माइनस भी इंटू वन माइनस भी यानी वन प्लस भी माइनस भी प्लस भी स्क्वायर बाय वन माइनस भी से भी कैंसिल हो गया, तो यह हो गया वन प्लस भी स्क्वायर बाई वन माइनस भी बन गया, क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, अगर इसको वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, यहाँ से मेरा क्वेश्चन था एक्स इंटू डी भी बाई डी एक्स, तो वेरिएबल सेपरेबल जैसे ही करोगे यह हो जाएगा वन माइनस भी बाई वन प्लस भी स्क्वायर इंटू डी भी बराबर डी एक्स बाई एक्स। अब इसको ऑन इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ इसको अलग अलग कर सकते हैं आप, वन माइनस भी बाई वन प्लस भी स्क्वायर इंटू डी भी बराबर डी एक्स बाई एक्स।
अलग अलग कीजिएगा तो जगह वन बाई वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी माइनस यह वी बाई वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। अब बताओ इसका तो फार्मूला हो गया टेन इनवर्स भी, यहाँ नीचे का डीसी ऊपर के बराबर तो लॉग इनटू नीचे का फंक्शन हो जाता, तो इसमें आप लिख सकते थे ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस बी स्क्वायर इंटू डी वी माइनस दो से गुना भाग कर दिया तो टू वी बाई वन प्लस बी स्क्वायर इंटू डी वी बराबर वन बाई एक्स इंटू डी वी। अब बताइए फार्मूला आप जानते हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स भी माइनस वन बाई टू इंटू लॉग वन प्लस भी स्क्वायर बेस ई बराबर लॉग एक्स बेस ई प्लस। अब यहाँ से भी है तो भी की जगह यहाँ से हम रफ में कर देते हैं, यहाँ से कैपिटल भी को मानेंगे y बाई कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई को मानेंगे वाई माइनस के और एक्स माइनस एच, एच और के का मान निकाल लिए तो माइनस हाफ तो वाई प्लस वन बाई टू और एक्स प्लस वन बाई, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देना तो यह हो जाएगा टेन इनवर्स वाई प्लस हाफ बाई एक्स प्लस हाफ माइनस वन बाई टू इंटू लॉग वन प्लस y प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर बेस ई बराबर हो गया log कैपिटल x की जगह हो जाएगा तो x प्लस वन बाई टू बेस ई प्लस, इसी को सॉल्व कर देना यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, हुच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन है लेकिन वह क्वेश्चन हम आपको हिंट करके दे रहे हैं होमवर्क में, तो आज आपका यह एक आखिरी क्वेश्चन है फाइव का भी। देखिए कह रहा था इस इक्वेशन को सॉल्व करो, थोड़ा हिंट कर देते यह भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप बना लोगे, तो आज आपका यह चैप्टर हम ख़त्म कर दिया, अगले क्लास में आपको शुरू करेंगे, अगले क्लास में हम आपको शुरू करेंगे होमोजीनियस का ही एक सेकेंड केस जहां एक्स और वाई के कोफिशियंट का रेशियो समान था, इसके बाद शुरू करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मोस्ट वीवीआई चैप्टर। देखते बाबू इसको हिंट करके छोड़ेंगे, दिया हुआ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यह है थ्री वाई माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन बराबर है थ्री एक्स माइनस सेवन वाई माइनस थ्री इंटू डी वाई, तो हमको तो लाना था बायां पक्ष में कितना डी वाई बाई डी, तो इस फंक्शन को इधर ला देते हो तो जाएगा माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सात बता थ्री एक्स माइनस सेवन इक्वेशन फर्स्ट। अब बताओ यहाँ भी देख रहे हैं कि एक्स के कोफिशियंट का रेशियो है माइनस सात बता तीन और y के कोफिशियंट का रेशियो माइनस तीन बत्ते सात कभी बराबर नहीं है, तो स्मॉल x को भी मानेंगे कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y को भी मानेंगे कैपिटल y प्लस के, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे फिर समीकरण एक में वैल्यू देंगे, तब यहाँ से आ जाएगा कैपिटल डी एक्स कैपिटल डी वाई के फॉर्म में, यहाँ भी हो जाएगा कैपिटल डी कैपिटल x कैपिटल y और h और k फॉर्म में, तो एच और के का मान जब निकालना होता तो जो लीनियर एक्सप्रेशन था एच और के का मान उतना बराबर जीरो कर देते तो एच और के का मान आ जाता, जब एच और के का मान इक्वेशन टू में रखोगे तो वह होमोजेनियस आ जाएगा, जब होमोजेनियस आ जाता तो कैपिटल वाई को वी एक्स मानते उसको डिफ्रेंशिएट करके फिर बना देते जैसा कभी पिछला सारा क्वेश्चन बताए थे, तो यह भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लोगे, तो आज
जो हम चैप्टर बता रहे थे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें पहला केस जो आज समाप्त हो गया, अगले क्लास में इसका अगला चैप्टर बताएंगे नॉन होमोजेनियस का ही, तो वहाँ केस टू होगा कि एक्स और वाई के कोफिशियंट का रेशियो सेम होता। लेकिन अगला क्लास करने के लिए आपको पिछला चैप्टर, इससे पिछला चैप्टर जो बताए थे वह सब का यूज पड़ेगा। जो पहला क्लास कर रहे थे आज, जो नेक्स्ट वीडियो नहीं देखे हो वो पिछला वीडियो को सब्सक्राइब करके आप उसको देख लोगे, और एडमिशन का हम लिंक दे दिया था जो आप अपना देख लोगे खोल के। तो थैंक यू।